आपने मुझे लंपी स्किन डिजीज पर बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, आज ये बीमारी हिंदुस्तान के कई राज्यों में 2019 से सक्रिय हो चुकी है। ये हिंदुस्तान के उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल में और ये आसाम, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना तथा उत्तर प्रदेश में और हमारे पड़ोसी राज्य गुजरात, दिल्ली, कर्नाटक, हरियाणा में भी इसका खूब असर दिख रहा है। राजस्थान में बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे आमदनी का 40% हिस्सा जो कि पशुधन से होता है, गाय उसमें सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है और गाय का सबसे बड़ा डैमेज हुआ। सभापति महोदय, मैं कुछ बात ऐसी भी रखना चाहता हूं जो मेरी कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ी हुई। हमने जागरूकता अभियान चलाया, हमने जैसे कोरोना में कमेटी बनाई हमारे पास कल एक डेथ हुई थी गाय की और पूरे टोटल गौशाला में आज के दिन कोई स्किन डिजीज की कोई गाय। विभाग ने बहुत भाग करके काम करा, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं। सभापति महोदय, मुझे तो एक हमारे अभी मेरे से पहले साथी बोल रहे थे, ये कह रहे थे कि साहब बड़ी पड़ोसी मुल्क की साजिश हो सकती है, मुझे तो ये साजिश केंद्र सरकार की लग रही है। सभापति महोदय, डेनमार्क का दूध बेचना है, इसलिए 16 राज्यों में ये बीमारी होने के बावजूद इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं करा। और मेरी मांग है देश के प्रधानमंत्री जी से, ये राष्ट्रीय आपदा घोषित करो। सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाने से कुछ नहीं होता, गाय को घर में पालते हुए। और मैं तो मंत्री जी से कहना चाहता हूँ, मंत्री महोदय, देसी गाय का संवर्धन करिए, उसकी नस्ल सुधारिए। ये जो कल एक MLA साहब गाय लेकर के आ गए थे, वो तो देसी थी नहीं। विधानसभा के आगे जो गाय ले आए, वो तो अमेरिकन गाय पकड़ के ले आए, वो गाय भाग गई। उस गाय ने इनका हेज भी नहीं करा, ये पॉकेट में पकड़ ले आए उनको। मैं कहना चाहता हूँ सभापति महोदय, एक या इंजेक्शन का जिक्र करा गया है विधानसभा में, कई साथियों ने बोला गोटपोक्स। ये गोटपोक्स है क्या? गोटपोक्स बनाता कौन है? गुजरात में इनका कोई बड़ा सारा आदमी है, उसका गोटपोक्स में कोई वो है बता। अजी, यहाँ डॉक्टर थोड़ी है, तो MLA मंत्री है। गायों के कंकाल को तो नर कंकाल बोल रहे थे और ये कह गए राठौड़ साहब। मेरे को लगा राठौड़ साहब आज उग चुक है। ये राठौड़ साहब एक बात और कह गए कि साहब आपने पशु बीमा खत्म करा। नहीं राठौड़ साहब, आपकी सरकार ने खत्म करा था पशु बीमा। और मंत्री जी आप शुरू करिए, इन्होंने तो खत्म कर दिया। और ये तो झूठे आंकड़े देने में आजकल माहिर है, आप शुरू क्यों नहीं कर रहे? पशु बीमा आप शुरू करिए। इन्होंने जो गलती करी है उसकी माफी आपको मांगनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने गौशाला अनुदान में पिछले 5 साल में दिए 450 करोड़ और आपने दे दिए 1992 करोड़ रुपए, यानी आपने 1992 करोड़ रुपए दे दिए, फिर भी आप प्रदेश की जनता को बता नहीं पाते। राठौड़ साहब आपको गलत बात बोल करके एकदम गुमराह कर देते और आप गुमराह हो जाते हो। मैं ये कहना चाहता हूँ, आज देश के अंदर जिस तरीके से हमारे साथी ने एक बयान दिया अभी, और मैं निंदा करता हूँ इस बात की, ये इन्होंने जिक्र करा बीफ का। आज बीफ का व्यापार मोदी जी के देश में राजसत्ता में आने के बाद कितना बड़ा है, इस बात का आंकड़ा आपको जानने की जरूरत है। 14,000 करोड़ का बीफ का व्यापार था जो 51,000 करोड़ तक पहुंच गया, ये मोदी जी के राज में आने के बाद हुआ है। और ये कह रहे थे केरल का जिक्र कर रहे थे, इनके किरण रिजिजू जो केंद्र के मंत्री है, वो गोमांस का खुला प्रचार करते हैं और खुला खाने के हां करते हैं। गोवा में इनकी सरकार बची है गोमांस का नाम लेकर के। मैं कहना चाहता हूं ये मुद्दा होना ही नहीं चाहिए। असली बात यह कि गाय को बचाया कैसे जाए, देसी गाय को कैसे बताया जाए, जिस गाय को हम गाय माता कहते थे उसका समर्थन कैसे करा जाए, इस बात पर गंभीरता से चर्चा करके आपको गाय को बचानी है। हम सब मिलकर के गाय को बचाएंगे, बाकी फिजूल की बातों में कोई नहीं पड़ेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।
बाबूलाल खराड़ी